वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने संसद में सुबह 11 बजे बजट 2024 पेश किया, जिसमें बिहार के लिए विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा उन्होंने बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना की भी घोषणा की है। सरकार ने पूर्वोदय योजना की शुरुआत की घोषणा की, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हर साल 1,00,000 छात्रों को ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए एक नई लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। बजट बहुत इफेक्टिव है और उसने महिलाओं के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया है, यूथ पे स्पेसिफिकली फोकस किया है, जिसमें आज की डेट में 50% महिलाएँ हैं। तो जो स्किलिंग की बात करी, इंटर्नशिप्स की बात करी, महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन की जो एनहांसमेंट की बात करी, जो डिजिटल फुटप्रिंट के बेसिस पे क्रेडिट वर्थीनेस की बात करी, हॉस्टल्स की बात करी, इसके अलावा क्रेचेस की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डायरेक्टली इम्पैक्ट महिलाओं पे करता है, यूथ पे करता है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन पे करता है। इसके अलावा जो इन्होंने सोलर एनर्जी की बात करी, जिसके अंदर हाउस होल्ड इन्होंने कवर करने की बात करी, वाटर सप्लाई को इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वो अर्बन सिटीज़ की वाटर सप्लाई को ध्यान में रखते हुए इस पर एक्सपेंडिचर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया कि आज की डेट में जितने अर्बन घर हैं, या आप ये माने कि रूरल के अंदर लैंड है, उनका डिजिटलाइज, डिजिटल फुटप्रिंट करने की बात करी है। मुझे उससे लगता है कि जो ओनरशिप इम्पैक्ट जो आएगा वो डायरेक्टली महिलाओं पे इम्पैक्ट करेगा। इन्होंने यहाँ तक बात करी है कि स्टैम्प ड्यूटी जो महिलाओं पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में, उस पर अलग अलग रेट है, उसको भी ये स्ट्रीमलाइन करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को इन्होंने खास करके नज़र में रखा है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे पहल की है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है बजट में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, ये है कि हम लास्ट 5 साल से सुनते आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हर जने का अपना खुद का घर हो, और घर के लिए जो आप सब्सिडी देते हैं उसके अलावा आज की डेट में हर व्यक्ति होम लोन भी ले रहा है। होम लोन की कॉस्टिंग बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, साइज़ बढ़ गई है, लेकिन लास्ट 10 साल से उसकी अमाउंट ही नहीं बढ़ी है। तो वो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो वो एग्जम्पशन में दे रहे हैं, उसकी उम्मीद थी कि वो कम से कम उसको 4 लाख रुपए करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो मिडिल क्लास चाहती थी, जिसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति को पड़ता, वो इन्होंने नहीं दिया। तो ये एक एरिया है जिसके ऊपर आज की डेट में हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ये मोदी सरकार के थर्ड टर्म का पहला बजट है। बजट को मैंने पूरा सुना है, बहुत ही विकासशील बजट है और उन तीनों सेक्टर्स को, युवा, महिला और किसानों को उन्होंने राहत पहुंचाई है। मैं चूंकि हेल्थ सेक्टर से हूं, तो हेल्थ सेक्टर को मैंने बहुत अच्छे से वॉच किया है कि हेल्थ में 2 मुख्य मुद्दे होते हैं कि अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एज रिमोट एज पॉसिबल, एंड फिर अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों बातों को एड्रेस किया है। अफोर्डेबिलिटी के लिए कैंसर की जो बहुत महंगी दवाइयां हैं उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है। हेल्थ सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करता है और एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर रखा है मुद्दा कि स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट्स बनाई जाएगी, मैं इसे बहुत ही फोरसाइट देखता हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोग भी अस्पताल में आते होंगे, आप लोगों का भी वास्ता वार्ड आया वगैरह से पड़ता होगा, और ये अनस्किल्ड लेबर होने से कई बार पेशेंट्स को तकलीफ होती है। तो इस तरह के सेक्टर को डेवलप करने के लिए, स्किल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आ रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए, मैं उसको उसी में देखता हूँ। और इनको स्किल मिले, स्किल का फर्दर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि नर्स की ट्रेनिंग तो नर्स ले लेती है नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन उसके बाद में उसको जॉब ओरिएंटेड फिक्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कि जैसे किसी को टीबी की दवाई मिल रही है, या किसी को पिक लाइन डल रही है, या किसी को कीमो की मेडिसिन मिल रही है, तो उनमें ट्रेनिंग, उनमें स्किल का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो जो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने स्किल पर इम्पेटस दिया है, वो एक बहुत ही अच्छा कदम है।
ये बजट देखिए कंटिन्यूटी में है, अच्छा बजट, ये बजट कंटिन्यूटी में है और अच्छा बजट है, और जैसी उम्मीद थी मतलब कंटिन्यूटी का बजट जैसा होता है वैसा ही है। और एज सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया गया है, वो भी ज़रूरत है क्योंकि क्या है कि दूसरी कई जगह सब्सिडीज़ देनी है, तो कहीं ना कहीं इनकम से कहीं से लेके और कहीं देना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये एक डिसेंट बजट है। जैसे कुछ सब्सिडी पर्टिकुलरली जो PMAY के तहत मिल रही थी उसके बारे में वित्त मंत्री, वो बंद हो गई थी सब्सिडी, 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती थी 40 लाख 50 लाख के घरों तक, घरों में, तो उसके बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि उसको रिवाइव करेंगे। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वो जैसे स्टैम्प ड्यूटी कम करने के लिए कहेंगे, तो वो एक इवेंचुअली अगर होता है तो उससे एक आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा।